मैं डॉक्टर सरिता जैन। टॉर्च इन्फेक्शन की सीरीज़ में अगला वीडियो है जिसमें मैं आपको CMV के बारे में जानकारी दूंगी। CMV मीन्स साइटोमेगेलो वायरस। ये इन्फेक्शन हार्मलेस होता है और इसके कारण कोई ज़्यादा विशेष लक्षण नहीं आते हैं, परंतु अगर प्रेगनेंसी में ये इन्फेक्शन होता है तो बच्चे में ट्रांसफ़र होकर कंजेनाइटल इन्फेक्शन कर सकता है। CMV इन्फेक्शन दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी इन्फेक्शन जो कि फर्स्ट टाइम हुआ होता है, और सेकेंडरी रिकरेंट इन्फेक्शन जो कि एक बार होने के बाद में दोबारा हुआ होता है। इस इन्फेक्शन के बारे में खास बात यह है कि एक बार ये होने के बाद में ये वायरस हमेशा के लिए बॉडी में अलाइव रहता है, परंतु ये डॉर्मेंट स्टेज में रहता है, और जब उसकी पर्सन की जब इम्यूनिटी लो हो जाती है तो रीएक्टिवेट हो सकता है। इस तरह से ये दो तरह के इन्फेक्शन होते हैं, प्राइमरी एंड रिकरेंट इन्फेक्शन। जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है ये ज़्यादा मेजर कॉम्प्लिकेशन करता है अगर प्रेगनेंसी के दौरान हो जाए तो, और जो रिकरेंट इन्फेक्शन होता है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चे को नहीं होती है। इसका स्प्रेड पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट से होता है, और ये फूड से या वाटर से या एनिमल के थ्रू ट्रांसफ़र नहीं होता है। इसकी खास बात ये होती है कि ये जो वायरस है बॉडी के फ्लूइड्स में प्रेजेंट होता है, और जो बॉडी के सिक्रीशंस होते हैं जैसे कि स्वेट में, सलाइवा में, टीयर्स में, ब्रेस्ट मिल्क में, यूरिन में, सलाइवा सीमन में, इन सब में प्रेजेंट हो सकता है। तो अगर कोई ड्रिंक्स को शेयर करता है, या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करने से, या फिर बच्चों के डायपर वगैरह हैंडल करने से, और क्लोज बॉडी कॉन्टैक्ट से, इस तरह से ये इन्फेक्शन फैल सकता है। इसका डायग्नोसिस क्लिनिकल फीचर्स के बेसिस पे करना मुश्किल होता है, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन की तरह के ही होते हैं। और डायग्नोसिस करने के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है जिसमें वायरस के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ को टेस्ट किया जाता है, और अगर पॉजिटिव आता है तो 2 वीक्स के बाद में टेस्ट को रिपीट किया जाता है और राइजिंग टाइटर के लिए देखा जाता है। अगर प्रेग्नेंट लेडी में ये इन्फेक्शन हो जाता है तो बच्चे में ये ट्रांसफ़र हुआ है कि नहीं, इसे देखने के लिए एमनियोसेंटेसिस किया जाता है और उसमें एंटीबॉडीज़ को देखा जाता है। जो सोनोग्राफी में फीचर सजेस्ट करते हैं कि बच्चा CMV से इन्फेक्टेड हो सकता है, वो ये है कि बच्चे का जो ग्रोथ है वो कम हो सकती है, जो उसके चारों तरफ फ्लूइड होता है जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं वो कम हो सकता है, उसके ब्रेन में सूजन हो सकती है। तो इस तरह के सिम्टम्स हमें सजेस्ट कर सकते हैं CMV इन्फेक्शन के बारे में। अगर किसी बच्चे में डाउट होता है कि इसको कंजेनाइटल CMV हो सकता है, तो उसको बर्थ के बाद में भी उसका जो ब्लड सैंपल या यूरिन या फिर सलाइवा को वायरस के लिए एंटीबॉडीज़ के लिए टेस्ट किया जा सकता है। इसका ट्रीटमेंट जो हाइपर इम्यून ग्लोबुलिन अवेलेबल होते हैं उसको प्रेगनेंसी में होने पे दिया जा सकता है लेडी को, तो उससे मदर से बच्चे में इसका ट्रांसमिशन रोका जा सकता है। और जो ओरल मेडिसिन है वो कोई बहुत अच्छी जो कि इसके पूरे सिम्टम्स को प्रिवेंट कर सके या फिर इससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सके, ऐसी कोई इफ़ेक्टिव मेडिसिन उपलब्ध नहीं है। परंतु जो रूटीन एंटीवायरल ड्रग्स होती है जैसे कि जेनसाइक्लोविर, उसे दिया जा सकता है, तो ये कुछ हद तक इसके सिम्टम्स की सिवेरिटी को कम कर सकता है, ब्रेन के डेवलपमेंट को थोड़ा बढ़ा सकता है ये, और जो इससे होने वाली डेफनेस है उसको भी कम कर सकता है। इस इन्फेक्शन का प्रिवेंशन के लिए जो हमें रूटीन हाइजीन होती है जैसे हैंड वॉशिंग होती है साबुन और पानी से, इसका ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आ रहे तो आपको हाथ अच्छी तरह साबुन से धोना चाहिए, किसी के साथ में ड्रिंक्स वगैरह शेयर नहीं करनी चाहिए, और जो नए पार्टनर्स हैं उनके साथ में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप बच्चों को हैंडल करते हैं, किसी ऐसे सेंटर पे काम करते हैं जहाँ बच्चों की केयर करनी हो, तो आप बच्चों को किस वगैरह ना करें, और अगर डायपर वगैरह चेंज कर रहे हैं तो उसके बाद में आप साबुन से अच्छी तरह हाथ धोए, और जो बच्चों के कॉन्टैक्ट में आने की वाली चीज़ें होती है जैसे टॉयज वगैरह, उनको रेगुलरली वॉश करें, तो इस तरह से आप इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं। थैंक यू।